रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को लड़ाकू जेट चाहिए और जेलेंस्की की ये डिमांड पूरी करने वाले अब पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। इसी में नया नाम फ्रांस का है। फ्रांस को पुतिन की तरफ से खतरनाक वार्निंग मिली। अब पूरे यूरोप को लग रहा है कि बहुत बड़ा खतरा अब आगे आने वाले भविष्य में मंडरा रहा है। सात जून को हुई इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन रूस को आसमानी टक्कर देता रहेगा। ज़ेलेंस्की मैक्रो ऐसे मिले जैसे रूस से लड़ाई लड़ने के लिए अब फ्रांस पूरी तरह तैयार है। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की की नजर हथियारों पर रही और मैक्रो की नजर पुतिन की फौज पर। इस मीटिंग ने साबित कर दिया कि यूक्रेन को अब F-16 के साथ साथ फ्रांस का फाइटर मिराज 2000 भी मिलेगा। इसकी गारंटी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दी है। मिराज 2000 यानी वो लड़ाकू विमान जो राफेल से पहले फ्रांस का टॉप फाइटर जेट माना गया, अब यही फाइटर यूक्रेन के पास आएगा और रूस के सुखोई विमानों से टक्कर लेगा। इस वक्त यूक्रेन को जो फाइटर जेट मिलना पक्का हो चुका है, पहला है F-16 और दूसरा है मिराज 2000। दोनों ही नेटो के जबरदस्त फाइटर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि रूस को टक्कर देने की गारंटी माने जा रहे हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ रूस के फाइटर जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि रूस के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ज़ेलेंस्की इन विमानों को स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। फ्रांस जानता है कि वो यूक्रेन की मदद करके रूस को नाराज कर रहा है, लेकिन मैक्रों ने यह खतरा उठा लिया है। Pour l'aider aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire. Elle sait aussi que la Charte des Nations Unies et l'intégration européenne, qui ont précisément été inspirées par le combat qu'ont livré les Alliés il y a 8 décennies, seront toujours notre plus sûre boussole. यूक्रेन को मिल रहे फाइटर जेट वाले तोहफों को देखकर पुतिन बहुत गुस्सा है और वो बार-बार बता रहे हैं कि नाटो रेड लाइन को क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा को पार किया गया तो रूस ऐसी सजा देगा जिसके धमाके की गूंज लंदन और वॉशिंगटन DC तक सुनाई देगी। फिलहाल रूस की नई वार्निंग फ्रांस के लिए आई है और यह साफ साफ मिराज 2000 जेट को लेकर है। любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации. Ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной. А это чревато непредсказуемыми последствиями для безопасности уже не только в Европе, но и мире. Мираж – это дельта-винг वाला फाइटर जेट है, जो वर्जन यूक्रेन को मिलने जा रहा है, वही वर्जन वाला मिराज भारत के पास भी है। मिराज फाइटर कौन से हथियार फायर करेगा? इस बारे में ज़ेलेंस्की को बताया गया है। इसमें यह हैमर बम भी है जो स्पेशल किट की वजह से 70 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन पर फटता है। ज़ेलेंस्की बार बार पूछते रहे हैं कि पुतिन के हवाई हमलों से यूक्रेन को कौन बचाएगा। पुतिन के मिसाइल अटैक का जवाब कौन देगा? पुतिन की फौज को उनके घर में घुसकर कौन मारेगा? इसीलिए ज़ेलेंस्की को यह भी चाहिए यूरोफाइटर। ज़ेलेंस्की ने इसकी भी डिमांड की है, मिराज 2000। और यह वाला जहाज तो ज़ेलेंस्की को जरूर चाहिए, F-60। यह बात साफ है कि यूक्रेन को बचाने से ज्यादा ज़ेलेंस्की रूस पर हमले के लिए बेकरार है और अब इसमें फ्रांस भी उनकी मदद को आगे आ गया है।
Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало. Они требуют от киевского режима еще. Они поощряют впрямую наносить удары в глубине России. И даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне взялись за планирование масштабных диверсий. मिराज और F-16 जैसे फाइटर जेट मिल जाएं तो ज़ेलेंस्की डॉनबास में रूस के ठिकानों तक ही नहीं बल्कि मॉस्को में पुतिन के हेडक्वार्टर यानी क्रेमलिन तक हमला करेंगे। ये ताकत हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की ने बहुत पापड़ बेले हैं। ज़ेलेंस्की का मिशन फाइटर जेट शुरू हो गया है, जिसे यूरोप और अमेरिका में ज़ेलेंस्की की फाइटर जेट डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने मिराज और F-16 फाइटर जेट को लेकर 5 फायदे बताए हैं। इसमें यूक्रेन की जरूरत से लेकर अमेरिका को लालच और ऐसे वादे भी हैं जिन पर यकीन करना बाइडेन के लिए दो धारी चाकू पकड़ने जैसा है। पहली वजह, यूक्रेन अगर F-16 से लड़ेगा तो वो रूस के सभी हमलों को रोकने में कामयाब रहेगा, यानी उसका स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि अभी तक वो रूस की तरफ से हो रहे 75% हवाई हमलों को रोकने में कामयाब हो रहा है, लेकिन मिराज और F-16 मिलने से बाकी 25% की भरपाई भी हो जाएगी, क्योंकि तब ये जहाज नाटो से मिले एयर डिफेंस के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाकर काम करेगा। F-16 शून्य की दूसरी वजह, डॉग फाइट में ये जहाज रूस के विमानों पर भारी पड़ सकता है, ऐसा ज़ेलेंस्की का दावा है। जबकि सच ये है कि रूस के सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन डॉग फाइटर माने जाते हैं, यानी ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि इसके मुकाबले में दुश्मन का कोई फाइटर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि F-16 मिलेंगे तो रूस के लड़ाकू विमानों को गिराना आसान हो जाएगा। हालांकि अब तक नाटो को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रूस से कैसे निपटा जाए। ज़ेलेंस्की भी परेशान है कि अगला हमला रूस कैसे करेगा और वो उसे कैसे रोक पाएंगे। अगर वो अमेरिका और उसके नाटो वाले साथियों से हथियार नहीं मांगेंगे तो यूक्रेन का पूरी तरह से ढह जाना बस कुछ दिनों की बात रह जाएगी। उनके सामने रूस के फाइटर जेट हैं जो आए दिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की इसी खतरे को खत्म करना चाहते हैं, इसमें चाहे पुतिन के फाइटर जेट हों या फिर पुतिन के अटैक हेलीकॉप्टर। रूस की एयर पावर 24 घंटे यूक्रेन पर खतरे की तरह मंडरा रही है। यही ताकत है जिसे दिखाकर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कम में वो मानने वाले नहीं है। दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक हलचल बढ़ गई है। हाई प्रोफाइल बैठकों के बाद सुरक्षा बल अब एक्शन मोड में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी जम्मू पहुंच गए हैं। अब घाटी में सुरक्षा बलों को एक जबरदस्त कामयाबी हाथ लगी है। इसी बात से अब पाकिस्तान की सेना बहुत ज्यादा घबराई हुई है। आतंक के मुकम्मल इलाज के लिए जम्मू पहुंचे CDS। गृह मंत्रालय ने रियासी हमले की जांच NIA को सौंपी। हंदवाड़ा से सुरक्षा बलों ने आतंकी को किया गिरफ्तार। मोदी सरकार कश्मीर के साथ जम्मू में भी जीरो टेरर प्लान का मूड बना चुकी है। गृह मंत्रालय एक्शन में आ चुका है, सेना अलर्ट मोड पर है। CDS अनिल चौहान ने जम्मू का दौरा किया है। CDS अनिल चौहान का ये दौरा ऐसे वक्त में रहा जब गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा स्थिति और तैयारियों पर हाई लेवल मीटिंग की थी, और उसके अगले ही दिन CDS अनिल चौहान जम्मू पहुंच गए।
घाटी में सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर नजर और पैनी कर दी है। हर तरफ तलाशी अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक इनपुट पर सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया। जाकिर हामिद मीर नाम के इस आतंकी को पाकिस्तान में बैठे उसके अकाउंट से सॉफ्ट टारगेट करने का हुक्म दिया गया था। सॉफ्ट टारगेट यानी आसानी से किए जाने वाले हमले जिसमें ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा सके। पकड़ा गया जाकिर हामिद मीर पाकिस्तान में बैठे अपने आका जहूर अहमद मीर के संपर्क में था और उसी के आदेश पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी SF के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल, एक ग्रेनेड और MT ये दो मैगजीन पिस्टल के है। तो इसमें हमने FIR 124/2024 हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में लगा दी। याद कीजिए 9 जून की तारीख को मोदी सरकार दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में थी। उसी दौरान ये खबर आई कि कटरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। इस हमले में 9 यात्रियों की मौत और 41 लोग घायल हो गए। इस हमले के लगभग 48 घंटे बाद 10 जून की शाम को जिला कठुआ में गोलियों की आवाज गूंजी, जो 11 जून की दोपहर 2 आतंकियों के मारे जाने और 1 CRPF के जवान के शहादत के साथ बंद हुई। इसके तुरंत बाद डोडा में भी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर 2 अलग अलग हमले किए जिसमें 8 सुरक्षा कर्मी घायल हुए। साफ है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही आतंकियों के आका बौखला चुके हैं, इसलिए आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब आतंकियों की एक नहीं चलने वाली, क्योंकि मोदी सरकार सत्ता संभाल चुकी है और इस सरकार को एक्शन लेने आता है। आतंकी कितने बौखला चुके हैं इसका ताजा उदाहरण है ISIS समर्थित पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान का एक ताजा आर्टिकल, जिससे साफ होता है। वॉइस ऑफ खुरासान के आर्टिकल में छपा है, हिंदुओं का कत्लेआम करो, चाकुओं से पेट काटो, मंदिरों को जलाओ, राम मंदिर, PM मोदी पर निशाना। वॉइस ऑफ खुरासान मैगजीन के जरिए PM मोदी के खिलाफ जहर उगला गया है। उनको बताया गया है कि इस्लाम के खिलाफ भारत में वह एक हिंदूवादी राष्ट्र स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पूरा असर है मुस्लिमों के हित का नुकसान होना। यही नहीं, गजनवी और कासिम जैसे लोगों की तारीफ की गई है इस मैगजीन में। कुल मिलाकर BJP और PM मोदी को निशाने पर लिया गया है इस जहरीली मैगजीन में। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान ने अपने कवर पेज पर दी गई हेडलाइन में लिखा, हे बहुदेव वादी भारतीय राजा महमूद गजनवी का फिर से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, भारत के मुशरिकों को कारों से मारो, चाकुओं से उनके पेट चीरो, इनके मंदिरों, घरों, कारों, संपत्तियों और फसलों में आग लगाओ, भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाओ। मुस्लिमों को भड़काने के लिए इस लेख में कहा गया है कि गैर मुस्लिम उनकी जमीनों पर कब्जा और महिलाओं का अपमान करते हुए शरिया कानूनों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज के अधिकतर मुस्लिमों को इस दुनिया से मोहब्बत हो गई है, इसलिए वो जिहाद की राह में मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जनवरी 2024 में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम फिल्मी, राजनीतिक, खेल और व्यापार जगत की हस्तियों के शामिल होने पर भी ISIS समर्थित इस पत्रिका में नाराजगी जताई गई है। लेख में राम मंदिर बाबरी केस में आए फैसले को भी गलत ठहराने की कोशिश की गई है। ISIS समर्थित इस पत्रिका में नुपुर शर्मा का भी जिक्र है। दोबारा नुपुर शर्मा के वाक्य का जिक्र कर इस पत्रिका के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है। यही नहीं, ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी BJP महिला प्रत्याशी के खिलाफ भी इस पत्रिका ने जहर उगला है, ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा उसके खिलाफ भड़क जाएं।
कट्टरपंथी सोच रखने वालों की बौखलाहट वॉयस ऑफ खुरासान में छपे लेख से पता चलती है। मैगजीन में हर वो कोशिश की गई है कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के प्रति उकसाया जाए। हिंदुओं की हत्या बम ब्लास्ट और दूसरे तरीकों से भी करने को कहा गया है। यही नहीं, कट्टरपंथियों में अपने इस लेख में बदला लेने की नीयत से किए जाने वाले हमले को नेक काम वाली कोशिश तक करार दिया है। इस तरह के लेख भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।